लक्सर क्षेत्र के गंगा और सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ने से बांध भी टूट रहे हैं। दूसरी ओर पथरी नदी का पानी लक्सर के रिहायशी इलाकों में अपना दखल दे चुका है, जिससे क्षेत्रीय बाजार जलमग्न हो चुका है। लक्सर में मुख्य बाजार की हालत इस वक्त सबसे ज्यादा खराब है। इस कारण क्षेत्रवासियों के मन में अब दहशत बनी हुई है। लक्सर नगर निकाय विभाग के अधिशासी अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा की तरफ से विभागीय आपदा प्रबंधन दल के साथ क्षेत्र में भ्रमण के जरिए स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। तो वहीं मोबाइल शौचालय और रैन बसेरे जो है, वहीं सुविधाएं ये लोगों को उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। दरअसल ये जो विषय है पानी भरने का, ये कहीं ना कहीं हमारी एक चूक है और स्थानीय प्रशासन की भी एक चूक है, क्योंकि अगर स्थानीय प्रशासन समय से इस पर ध्यान दे तो इस पानी की निकासी का पूरा व्यवस्था बनाए तो निश्चित रूप से जो यहाँ की जो जनता है वो बिल्कुल मरने के लिए बिल्कुल लाचार ना हो जाए। तो उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। यहाँ पूर्वी नयार नदियां अपने उफान पर बह रही हैं। जगह जगह से खौफनाक तस्वीरें दिल को दहला रही हैं। ताजा तस्वीर चौबट्टा खाल विधानसभा के बिरोखाल के गांव पुड़जोली का है, जहां जयपाल सिंह नाम के युवक का मकान देखते ही देखते तिनके ही तरह नदी में समा गया। गनीमत ये रही कि बारिश के डर से पूरा परिवार घर से बाहर पहले से ही आ गया था, वरना इस परिवार के साथ बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। प्रशासन के द्वारा येलो अलर्ट घोषित किया गया था और इसी बीच में हम लोग जो है बिरोखाल भ्रमण के दौरान, जब हम ये ग्राम कुंडजोली जो बिरोखाल सूची से जो है नज़दीक है, वहाँ पे जो है एक आवासीय भवन इस तरह से जो है नदी में समा गया कि मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से, जैसे कि कुंडजोली जो है पहले भी बताया गया कि संवेदनशील जगह में है और आज ग्राम कुंडजोली में जयपाल सिंह जी का घर जो है नदी में समा गया और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी जो है सहायता प्रदान की जाए।